दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नीना गुप्ता की। उन्होंने न केवल बॉलीवुड बल्कि मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। अभिनय के अलावा नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती है, खासकर अपने पास्ट को लेकर। दरअसल नीना गुप्ता किसी समय वेस्ट इंडीज के प्रसिद्ध क्रिकेटर बीवियर रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। यही नहीं, नीना गुप्ता ने बिना शादी किए ही विवियन रिचर्ड्स की बेटी को जन्म भी दिया। यही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कश्मीर घूमने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीना गुप्ता के जीवन के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीना गुप्ता का जन्म 4 जुलाई 1954 को दिल्ली में हुआ। नीना गुप्ता के पिता आर.एन. गुप्ता स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। वहीं उनकी मम्मी शकुंतला देवी एक टीचर थी। नीना गुप्ता ने दिल्ली से ही स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की। नीना ने साल 1977 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई की। वह अपने बैच की सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक थी। नीना गुप्ता ने अपने करियर में कई टीवी सीरियल और कई फिल्मों में काम किया। नीना ने अपने करियर की शुरुआत साल 1982 में आई फिल्म ये नजदीकियां से की। इसके बाद नीना गुप्ता ने जाने भी दो यारों, मंडी, त्रिकाल सहित कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो नीना गुप्ता को टीवी की दुनिया में सबसे बड़ा ब्रेक साल 1985 में टीवी शो खानदान से मिला। बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नीना गुप्ता ने कई मलयालम और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। नीना गुप्ता ने साल 1982 में ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भतीजी का किरदार निभाया था। इसके अलावा नीना गुप्ता ने मिर्जा गालिब, इन कस्टडी, कॉटन मैरी में भी काम किया है। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी लाइफ में पहले व्यक्ति विवियन रिचर्ड्स नहीं बल्कि कोई और था। नीना गुप्ता ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है। इस बायोग्राफी के मुताबिक उन्हें अमलान कुसुम घोष नाम के शख्स से प्यार हुआ। उन्होंने बॉयफ्रेंड अमलान के साथ कश्मीर घूमने जाने का प्लान किया। जब यह बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने एकदम इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद नीना ने अमलान के साथ आनन फानन में शादी कर ली और उसके साथ घूमने के लिए कश्मीर चली गई। दोनों का यह रिश्ता करीब एक साल तक चला। उसी दौरान दोनों को महसूस हो गया कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। दोनों की सोच और रहन सहन में काफी अंतर था, जिसके बाद उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 80 के दशक में नीना गुप्ता का नाम एक्टर आलोक नाथ के साथ जुड़ा था, जो कि नीना का पहला प्यार कहा जाता है। हालांकि दोनों का रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चला। दोनों एक टीवी शो के दौरान मिले थे और जल्द ही अलग भी हो गए। कहते हैं कि नीना का दूसरा अफेयर भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंग देव से चला। दोनों ने एक साथ काम किया था और काम करते करते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन नीना का ये सपना पूरा नहीं हो सका। शारंग देव ने नीना से शादी करने से मना कर दिया। इससे नीना गुप्ता को काफी झटका लगा और फिर ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद नीना गुप्ता को वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड से प्यार हुआ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने भारत आई थी। उसी दौरान मुंबई में एक पार्टी के दौरान नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स के रिलेशनशिप के कुछ साल बाद नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। जिस समय यह सब हुआ उस समय विवियन शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। नीना जानती थी कि रिचर्ड से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद 1989 में नीना गुप्ता ने अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाकर विवियन की बेटी मसाबा को जन्म दिया। हालांकि मसाबा के जन्म के बाद काफी समय तक नीना गुप्ता ने मसाबा के पिता का नाम दुनिया को नहीं बताया, लेकिन बाद में मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट अखबारों में छप गया और दुनिया को इसके बारे में पता चल गया। इसके बाद विवियन रिचर्ड्स ने भी माना कि मसाबा उनकी बेटी है। इसके बाद विवियन रिचर्ड्स अक्सर भारत आते थे और कभी कभी उनको अपने साथ वेस्ट इंडीज भी ले जाते थे।
मसाबा भी अक्सर विवियन रिचर्ड से मिलने वेस्ट इंडीज जाती रहती हैं। नीना मसाबा गुप्ता की सिंगल मदर है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बाद में एहसास हुआ कि वह कभी भी एक सिंगल मदर नहीं थी, क्योंकि उनके पिता उनकी बेटी को पालने में उनकी मदद करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वे बेहद कम वक्त के लिए सिंगल मदर के रोल में रही। महज 2 साल बाद ही उनके फादर मसाबा का पालन पोषण करने में उनकी हेल्प करने उनके पास आ गए। बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देने के फैसले के बारे में बात करते हुए नीना का कहना है कि उनके लिए मुश्किल हिस्सा मसाबा को अकेले जन्म देने का समय नहीं था, बल्कि कठिन तो ये एक्सेप्ट करना कि आपने क्या चुना है और इसके लिए डटकर खड़े रहना है। उस समय बहुत से लोगों ने उनसे शादी के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि इससे आपके बच्चे को एक नाम मिल जाएगा, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये क्या बेकार की बात है। नीना ने जवाब दिया कि वे कमा सकती हैं और अपनी बेटी की देखभाल कर सकती हैं। और फिर नीना ने मसाबा का अकेले ही पालन पोषण किया। हालांकि बीच बीच में विवियन रिचर्ड्स भी अपनी बेटी से मिलने आते रहते थे। साल 2002 में नीना की मुलाकात दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से हुई। दोनों ने करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इसके बाद नीना ने जुलाई 2008 में विवेक मेहरा से अमेरिका में गुपचुप शादी कर ली। हालांकि विवेक पहले से ही शादीशुदा थे। पत्नी से तलाक मिलने के बाद उन्होंने नीना से शादी की। दोनों शादी के बाद बहुत खुश है। नीना और विवेक अब दोनों साथ ही रहते हैं। नीना ने साल 2018 में फिल्म बधाई हो से कमबैक किया और लोगों के दिलों पर फिर से छा गई। इस फिल्म के लिए उन्हें काफी सराहा गया। इसके बाद वह फिल्म पंगा और फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान में अहम किरदार में दिखाई दी। इसके बाद नीना ने वेब सीरीज पंचायत में प्रधान की भूमिका में अपनी छाप छोड़ी। ऐसे में कहा जा सकता है कि नीना ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही कॉम्बिनेशन बनाकर चली और इतने सारे संघर्ष के बावजूद वह अटिक रही। नीना की एक्टिंग के लोग आज भी दीवाने हैं। तो दोस्तों, नीना गुप्ता के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।